सब बन करके रेडी हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने, देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी रवा डोसा बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इसे कहते हैं परफेक्ट रवा डोसा, बिल्कुल जालीदार क्रिस्पी, देखने से ही पता लग रहा है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं ये रवा डोसा की रेसिपी। रवा डोसा बनाने के लिए मैंने आधा कप रवा लिया है, ये उपमा वाला रवा है, यानी कि मोटा वाला जो रवा होता है वो है। इससे रवा डोसा बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनता है। तो जितना रवा लिया है उतना ही यहाँ पर चावल का आटा है, यानी कि यहाँ पर मैंने आधा कप ही चावल का आटा लिया है, 1/4 कप मैदा लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश दही ले रही हूँ मैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं, बस इससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। इसी के साथ इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पर, बारीक कटा हुआ अदरक, इसकी जगह पर आप अदरक को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं, तो ये 1 चम्मच के करीब है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3/4 चम्मच के करीब नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसका बैटर बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ले लिया है, तो मैं पहले 1 कप पानी डाल लूँगी। बहुत सारा पानी एक साथ ना ऐड करें, अगर आप एक साथ ऐड कर देंगे तो बैटर में कई बार लम्स पड़ जाते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे पानी ऐड करें। इस तरह से आप जब भी बैटर बनाएंगे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो 1 और कप पानी डाल देंगे, यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाल दिया है, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं और पानी ऐड करूँगी। पहले हम बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसका बैटर काफ़ी पतला बनता है तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, बस लम्स नहीं होने चाहिए, हमें लम्प फ्री बैटर बनाना है। बैटर को आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो इसको हम ढक करके रख देंगे, लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे, जब तक कि सूजी अच्छे से फूल नहीं जाती। तो ये देखिए, इसको रेस्ट करते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए रवा किस तरह से फूल जाता है, तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी गाढ़ी है, तो इसमें 1/2 कप पानी मैं और डाल रही हूँ, कि बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। करी पत्ते, तो मैंने करी पत्तों को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, तो इसको मैं डाल दूंगी, लगभग 7 से 8 करी पत्ते हैं, इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है रवा डोसा में। तो आइए जल्दी से हम डोसा बना लेंगे। तो डोसा बनाने के लिए देखिए बैटर को हम अच्छे से स्टर कर लेंगे, आप देखेंगे कि रवा जो है वो बार बार नीचे बैठ जाता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से चला करके फिर आप तवे पर डालें बैटर को, बिल्कुल अच्छे से नीचे तक एक बार हिला लें, और कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कंसिस्टेंसी थोड़ी सी भी थिक होगी तो जाली नहीं बनेगी। तो मैं तवा गर्म होने के लिए रख दूंगी डोसा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर इस तरह के कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं बैटर को तवे पर डालने के लिए। मैं आपको 2 चीज़ों पर डोसा बना करके दिखाऊंगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो तवे को एक बार अच्छे तरीके से तेज़ गर्म कर लें, तो मैं तवा गर्म होने दूंगी। नॉनस्टिक तवा लिया है, अब हम इस पर हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल कर लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, तवा भी पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है, तो इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब जो हमने ये ऑयल डाला है इसको इस तरह से फैला देंगे। वैसे तो नॉनस्टिक तवे पर बहुत ही कम चांसेस है डोसा चिपकने के, पर फिर भी ये रवा डोसा है, आमतौर पर लोगों से सही नहीं बनता, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि कैसे बनाएं। तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इस पर थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, इस तरह से बारीक कटा हुआ प्याज फैला करके डाल देंगे। अब हम लेंगे डोसा बैटर और इसको अच्छे तरीके से स्टर करेंगे नीचे तक, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि रवा बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है। इसको हिलाते हुए अच्छे तरीके से कप में ले लेंगे, और इसके बाद हम तवे पर कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर करके, तो अगर इसका शेप राउंड ना भी आए तो घबराए नहीं, बहुत ही अच्छी जाली आएगी इसमें। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके इसको अच्छे तरीके से हर तरफ से सेक लेंगे। जाली दिख रही होगी इस पर, कितनी अच्छी जाली बनी है, जब आप इसे पलटेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही बढ़िया जाली आई है इसमें। देखिए आपको हल्का हल्का सा ब्राउन कलर यहाँ पर दिखने लगा होगा, तो अब हम इसको ऑयल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, तो इसको अच्छे से सेकने देंगे। किस तरह से इस पर कलर आने लगा है, हर तरफ से हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है, इसको हर तरफ से इस पर कलर आ गया है, तो अब हम इसको पलटेंगे। तो हम एक सिरे से इसको निकालना शुरू करेंगे, ये देखिए आराम से निकल आता है,
बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए कितना बढ़िया इस पर कलर आया है और कितना बढ़िया सेक करके रेडी हुआ है। आप चाहें तो दूसरी तरफ से सेकें, अदरवाइज आप इसी तरह से चाहें आप फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसको देखिए, मैं इसे फोल्ड कर दूंगी और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया और क्रिस्पी सा डोसा बन करके तैयार हुआ है, देखने से ही पता लग रहा है कितना सुंदर डोसा बन करके रेडी हुआ है। अब मैं आपको पैन में डोसा बताऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। सबसे पहले कुछ बूंदे ऑयल की डाल देंगे, हम टिश्यू से फैला लेंगे ताकि पैन जो है वो हर तरफ से ऑयल से कोट हो जाए। तो पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर से हम इसमें उसी तरह से प्याज डाल देंगे, फिर से बैटर लेंगे और बैटर को अच्छे तरीके से नीचे तक चला लेंगे। और अब हम इसको पैन में इस तरह से देखिए अच्छे से हमने यहाँ पर पैन में बैटर डाल दिया है फैला करके। और अब हम इसको कुक होने देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा गोल बन करके आएगा क्योंकि पैन के जो किनारे हैं उससे इसको सपोर्ट मिलेगी। देखिए जैसे ही ऊपर से कुक हो जाएगा और नीचे से हल्का हल्का सा कलर दिखने लगेगा तो हम इसमें ये ऑयल डाल देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है कुकिंग में तो आप इस तरीके से पैन में ईजिली रवा डोसा बना सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये देखिए इस पर बहुत ही अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे डोसे को। तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी अनियन रवा डोसा बनकर के रेडी है। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है, तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोनों रवा डोसा बनकर के रेडी हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी रवा डोसा बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए जल्दी से हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये जो रवा डोसा है वो बिल्कुल क्रिस्पी बन करके रेडी हुआ है। ये देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर जाली भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है। तो आप इस तरह से घर पर बाज़ार से भी अच्छा रवा डोसा बना करके रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, तो मैं तो जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ ये डोसे एंजॉय करने। और इतने बैटर में मीडियम साइज़ के 12 से 15 डोसे बन करके रेडी हो जाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो ये देखिए इसे कहते हैं परफेक्ट रवा डोसा, बिल्कुल जालीदार क्रिस्पी, देखने से ही पता लग रहा है।